क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, ये रास्ता तुम्हारे घर को नहीं जाता, क्योंकि हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। मामा बाबा वेट कर रहे हैं हमारा घर पे। क्या हो गया? अपने घर में ही तो वेट कर रहे हैं, कहीं बाहर थोड़ी खड़े हैं। आइसक्रीम खाएंगे, उनसे मिलने चले जाएंगे। वैसे एक बात तो मुझे आज माननी पड़ेगी, जो तो शौहर होते हैं ना, बेचारे ही होते हैं। अब तुम खुद ही देखो ना, मेरा कोई कसूर है ना, मैंने कुछ गलत किया, उल्टा ज्यादती मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए आइसक्रीम खिलाने मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। शाजिर, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं मालूम कि कल रात को क्या हुआ है, मैं कैसे इतनी जल्दी सो गई, मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, वो सब तो ठीक है, होश में नहीं थी तभी तो सो गई, लेकिन ऑनेस्टली मॉम के बारे में इस तरह की बात मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो भी शादी की पहली रात। उनके बारे में बुराई नहीं कर रही थी, I was only complaining about her, मैं शिकायत लगा रही थी उनकी। और अगर वो सब कुछ ना हुआ होता जो कल रात में हुआ है तो देखो मेरी बात सुनो, stop defending yourself, तुम बुराई ही कर रही थी और मुझे पसंद नहीं आई। शाजी तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी अच्छा लगा है क्या कि शादी के पहले दिन मैं उनकी शिकायत लगा रही हूँ तुमसे? मुझे बस ये था कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे नॉलेज में लाना बहुत जरूरी है। जिस तरह वो मुझसे रूड हुई है, मैं तुम्हें ना बताती तो और किसे बताती जाके? अच्छा ठीक, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि मैं तुम्हारे इस रवैये से ना सिर्फ शॉक्ड हूं बल्कि अपसेट भी हो गया। एंड यू आर राइट, आइसक्रीम खाने जाने की क्या जरूरत है, ना तो अब तुम्हारा मूड है और ना मेरा, इसलिए तुम्हारे घर ही चलते हैं।